पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैंने हमिश्रा शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। आमदार चरण वाघमारे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर किया गया बंद असंवैधानिक है। बंद के दौरान दुकानदारों पर जोर जबरदस्ती कर कांग्रेस नेताओं की ओर से गुंडागर्दी की गई। गुंडागर्दी इस तरह की थी कि हाथापाई हुए व्यापारी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह पुलिस में शिकायत दर्ज कर सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर लगाए हुए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। देखते हैं खबर विस्तार से। निषेध में कांग्रेस के नेताओं ने भंडारा शहर में ताना पोले के दिन बंद के दौरान जो रैली निकाली वो असंवैधानिक रैली थी। रैली की कोई प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी थी, उसके बावजूद भी बंद करते समय एक दुकानदार के साथ जो बाचाबाची हुई। कुछ लोगों ने मुझे तो ये बताया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने वो दुकानदार को हमला करके मारने की कोशिश किया। पुलिस ने एक्चुअली उसको कॉग्निजेंस लेने को होना था, लेकिन मुझे पता चला कि वो दुकानदार की उनके खिलाफ में तकरार देने की भी हिम्मत हुई नहीं और वो मामला उसी समय दबाया गया। लेकिन जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पक्ष के सरकार के ऊपर जो आरोप कर रहे हैं, अभी दो दिन पहले हमारा जो बेरोजगार शिविर हुआ और बेरोजगार शिविर में थोड़ा कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न उपस्थित हुआ था। ऐसे हर जगह होते हैं जहाँ पुलिस भर्ती होती है, जहाँ मिलिट्री भर्ती होती है तो गर्दी बढ़ते रहती है। तो उस चीज़ में पुलिस ने कायदा सुव्यवस्था प्रस्तावित रखने की कोशिश जरूर की, लेकिन थोड़ा सा जो कुछ भी मैनेजमेंट में मिस हुआ उसको लेके कांग्रेस के नेताओं ने मुझे विशेष तौर पे माजी खासदार नाना पटोले ने जो आरोप किया, तो नाना पटोले को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज तक के 3 बार ये आमदार रहे, विधायक रहे, और 1 बार 3.5 साल खासदार रहे, लेकिन इन्होंने अपने शासन के कालावधि में जब तक वो जनप्रतिनिधि रहे उनके पीरियड में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम बेरोजगारों को रोजगार देने का कभी लिया नहीं। वो कार्यक्रम लेने के बाद कितनी प्लानिंग करना पड़ता है, कितना सहन करना पड़ता है, और जब एक आध बार कार्यक्रम लेंगे तब पता चलेगा।